हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ को। जहां लास्ट क्लासेस में हमने लगभग 6 या 7 टर्मिनोलॉजीज़ को चर्चा किया, जिसमें ट्रेड है, बिजनेस है और प्रोफेशन वर्ड था या और भी वर्ड थे लाइक गुड्स थे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पिछली वीडियोज़ में चर्चा कर दी गई है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उन वीडियोज़ को देखिए, देन आगे कंटिन्यू करिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, वेट अ मिनट, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे के कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर। आगे हम लोग क्या क्या टर्म्स देखने वाले हैं, वो कौन कौन से वर्ड हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान और विशेष फोकस देना होगा उन बातों को। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले वर्ड आता है आज का परचेज। परचेज मतलब आप सबको पता है सामान को खरीदना ही क्या कहलाता है, परचेज। इसके पहले हमने एक वर्ड देखा था विच इज गुड्स। लास्ट क्लास में गुड्स के बारे में ये बात थी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसका हम व्यापार करते हो गुड्स कहलाती हैं। जैसे आप टीवी खरीद रहे हो वो आपकी गुड्स हैं, आप कपड़े खरीद रहे हो वो आपकी गुड्स हैं, व्यापार के लिए ना कि पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो परचेज का मतलब क्या होता है, व्यापार में आप जो भी गुड्स खरीदते हैं ना और इस पर्पज से खरीदते हैं कि उसको आगे बेच सकें, तो यही हमारा परचेज कहलाता है। द गुड्स बॉट इन ट्रेड, व्यापार में खरीदी गई वस्तुएं, फॉर द पर्पस फॉर सोल्ड अगैन, दोबारा से बेचने के लिए। मतलब ऐसे नहीं कि व्यापार में आपने अपने यूज के लिए वस्तु खरीद ली तो वो परचेज कहलाएगी, नो। व्यापार में अगर आपने वस्तु को खरीदा है इस उद्देश्य से कि आप उसे दोबारा बेचेंगे, ठीक है, तो ही वो क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। व्यापार में खरीदा गया माल जिसे पुनः बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया हो, ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि ये परचेजिंग हो रही है हमारी। सेल किसे कहते हैं फिर, जस्ट अपोजिट। अगर हमने व्यापार में किसी चीज को खरीदा है तो फिर हम उसे आगे बेचेंगे, और बेचने का उद्देश्य एक ही होता है, गेन प्रॉफिट। डन, गेन प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। द गुड्स सोल्ड इन एनी ट्रेड, कोई भी सामान जो किसी भी व्यापार में सोल्ड हो रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ गेन प्रॉफिट, इस उद्देश्य से कि लाभ कमाया जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं कि ये सेल हो रहा है। तो ध्यान से देखना, परचेज करते समय हमारा उद्देश्य है कि हम इसे आगे चल के बेचेंगे, और बेचते समय हमारा ये उद्देश्य है कि हमें इससे कुछ लाभ मिले। जैसे 100 रुपये में आपने कोई सामान खरीदी तो आपका उद्देश्य था कि आगे हम इसको बेचेंगे, लेकिन बेचते समय आपने एक माइंडसेट लगाया कि 100 का सामान हम 120 में बेचें ताकि हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हो। समझ गए बातों को? चलिए, मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि परचेज और सेल में क्या डिफरेंस होता है। एक बेसिक सा डिफरेंस है, अगर परचेज आप करते हो तो आपने इस उद्देश्य से सामान खरीदा है कि आगे चल के हम उसे बेचेंगे। अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके आपका उद्देश्य ये है कि सेल करने पे आपको कुछ लाभ कमा सके, है ना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने परचेज किया 100 रुपये में और उसको 80 रुपये में बेच रहे हो, तो अभी आपने लाभ नहीं कमाया, आपने उस सामान को लॉस में बेच लिया, है ना। तो ये बातें हो गई। अब बात करें रेवेन्यू। देखिए, हर वर्ड अगले वर्ड से जुड़ा हुआ है, अपने पिछले वर्ड से जुड़ा हुआ है, समझ गए। जैसे हमने सामान को खरीदा और सामान को बेचा, तो इसमें हमें कुछ लाभ हुआ, और इस सामान को खरीदने बेचने में जो धन की मात्रा हमने कमाई वो हमारी रेवेन्यू हो गई, लाइक अ प्रॉफिट, जो भी हमने कमाया। देखो क्या लिखा है, रेवेन्यू ऑल्सो कॉल्ड इनकम। रेवेन्यू को ही हम आमदनी कहते हैं, ठीक है, और रेवेन्यू को क्या कहते हैं, रेवेन्यू को ही हम आमदनी कहते हैं। रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी, रेवेन्यू वह अमाउंट ऑफ मनी होता है ब्रॉट इन टू द कंपनी, जो कंपनी में आता है, टिपिकली सेलिंग गुड्स प्रोडक्ट्स और सर्विस। किसी गुड्स को, किसी सर्विस को, किसी प्रोडक्ट को बेचने के बाद जितनी पैसे आए वो पैसे हमारे रेवेन्यू कहलाएं, ठीक है। अब इसमें लाभ का आप मत जोड़ लेना, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो फायदा हमें हुआ वो हमारी रेवेन्यू है, नहीं, हमारी रेवेन्यू है कि हमने बेच के कितना अर्न किया, सामान को बेचने के बाद हमारी क्या अर्निंग रही। उदाहरण के लिए मान लो, उदाहरण के लिए आपने 5 सामान 100-100 रुपये के हिसाब से खरीदे, डैट मीन्स आपने 500 का सामान खरीदा, आपने उन्हीं 5ों सामान को 120 के हिसाब से बेचा, तो इसका मतलब है आपने 600 रुपये में उस सामान को बेचा, तो अभी जो आपकी रेवेन्यू हुई ना वो 600 रुपये हुई।
मतलब आपने सामान को बेचा कितने में? 600 में। तो ये रेवेन्यू है आपकी, कि आपकी रेवेन्यू 600 है। अब आप उसमें से अपनी कॉस्ट ऑफ परचेज को हटा लेंगे तो वो आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। अगर आप रेवेन्यू में से अपने कॉस्ट ऑफ परचेज को हटा लें कि आपने 500 में सामान खरीदा था, उसको साइड हटाओ, तो जो 100 रुपये बचे वो आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। समझ गए बातों को? तो रेवेन्यू वर्ड आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू हम किसे कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो आपको टर्म समझाए हैं, जो भी मैंने वर्ड समझाए हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे इससे आगे की टर्मिनोलॉजीज़ को। टर्मिनोलॉजीज़ की क्लासेस थोड़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म्स हैं अकाउंटिंग में आने वाले, उन सभी पर हमें एक एक करके चर्चा करना होगा। और ऐसा मत समझिएगा कि बिना टर्मिनोलॉजीज़ को समझे आप जो है अकाउंटिंग में आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग के लिए टर्मिनोलॉजीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने पब्लिश की हैं वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि उनको देखे बिना आप आगे की वीडियोस को नहीं समझ सकते हैं। चलिए, तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टर्मिनोलॉजी के साथ।